From the above discussion, you have learned that chemistry deals with the composition, structure, properties and interaction of matter and is of much use to human beings in daily life. Sorry. दोस्तों अभी तक से जो भी डिस्कशन हुआ है, जो भी चीज़ें अभी तक से हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, उससे दो बातें सामने आई हैं। पहली बात क्या है कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है। तो केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है इंटरेक्शन ऑफ मैटर, मैटर की प्रॉपर्टीज़, उसका स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन, ये चीज़ें डील की जाती हैं केमिस्ट्री में। और दूसरी चीज़ है कि ह्यूमन बींग्स के डेली लाइफ में इसका बहुत यूज़ हो रहा होता है। दीज आस्पेक्ट्स कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एंड अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर दैट आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ह्यूमन बींग्स के डेली लाइफ में बहुत यूज़ होने की वजह से इसको और भी ज़्यादा यूजफुल बनाने के लिए हमें इसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट को जानना होगा और उसको समझना होगा। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट में आता है इसका एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो हमें इस लेवल पर केमिस्ट्री को समझना होगा, तब जाके हम इसको और यूजफुल बना सकेंगे। दैट इज़ वाई केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसीलिए केमिस्ट्री को एटम्स और मॉलिक्यूल्स का साइंस भी कहा जाता है। कैन वी सी वे एंड परसीव दीज एंटिटीज, एंटिटीज़ यहाँ पर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्या हम मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को देख पाते हैं या उसको वे कर पाते हैं या उसको फील कर पाते हैं, परसीव कर पाते हैं? या इज़ इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन मास ऑफ मैटर एंड हैव अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड द नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स? क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी पर्टिकुलर मास में हम उसमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट कर पाएँ? और एक ऐसा, जैसे मैं कोई एक पत्थर का टुकड़ा ले लूँ और पत्थर के टुकड़े में उसको वे करके पता कर लो कि इसमें नंबर ऑफ एटम, अगर वे इसका इतना है तो नंबर ऑफ एटम्स इतने होंगे या मॉलिक्यूल्स इतने होंगे, क्या ऐसा कोई क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हम बना सकते हैं इसमें? तो इन सब चीज़ों के बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। वी विल गेट द आंसर ऑफ सम ऑफ दीज क्वेश्चंस इन दिस यूनिट। वी विल फर्दर डिस्क्राइब हाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब्ड यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज विद सुटेबल यूनिट्स। फिर इसके बाद जब ये उसी में हम लोग फर्दर डिस्क्राइब करेंगे किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और उसके सुटेबल यूनिट के साथ क्वांटिटेटिवली कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। Chemistry plays a central role in science and is often intertwined with other branches of science. Chemistry का जो role है science में वो एकदम central, मतलब हर एक science की branch में वो कहीं ना कहीं बीच में जरूर आता है। जैसे मैं बात करूँ biology में आता है, physics में भी आया था, semiconductor हम लोग पढ़ते हैं वहाँ चला आता है, या atomic structure पढ़ते हैं वो भी physics का भी, दोनों में common है, physics में भी पढ़ते हैं atomic structure और केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है। इस तरह से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दोनों में आता है। हम लोग जियोलॉजी की बात कर लें, वहाँ भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तमाम केमिकल्स। तो केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है केमिस्ट्री साइंस का जो अदर ब्रांचेज में भी इंटरवीन करता है, आता है, वहाँ भी इसको पढ़ाया जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री आर applicable in diverse areas such as weather patterns, functioning of brain, operation of a computer, production in chemical industries, manufacturing fertilizers, alkalis, acids, salts, dyes, polymers, drugs, soaps, detergents, metals, alloys, etc. including new material. तो chemistry के जो principles होते हैं, जो भी उसमें हम लोगों ने पढ़ा होता है, उसका use करके हम लोग वेदर पैटर्न्स के बारे में जान जाते हैं, ब्रेन की फंक्शनिंग के बारे में, जो होता है ना, कहते हैं केमिकल लोचा है, तो वही केमिकल लोचा, मतलब वही ब्रेन में जो केमिकल का उतार चढ़ाव होता है उसी चीज़
उसी चीज़ से ब्रेन जो है फंक्शन करता है, अप डाउन्स दिखाता है. एंड ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्री जैसे फार्मेसी है, जैसे फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्री है, इंसेक्टिसाइड्स की फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, तो इन सबको, इन सब के प्रोडक्शन में भी इनका प्रिंसिपल्स यूज़ किया जाता है, केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स का यूज़ किया जाता है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, अल्कलीज इनका मैन्युफैक्चरिंग करना, एसिड्स का, सॉल्ट्स का, डाइज बनाना, पॉलीमर्स बनाना, ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, मेटल्स, अलॉयज, और कुछ नए नए मटेरियल जो दिन पर दिन बनते जा रहे हैं, नए नए यूज़ किया जा रहा है, अपग्रेड हो रहा है, तो इन सब में यूज़ किया जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स इन अ बिग वे टू द नेशनल इकॉनमी. किसी भी देश के नेशनल इकॉनमी में केमिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है. देश की इकॉनमी बढ़ती है जब कोई भी चीज़ वो एक्सपोर्ट करती है, और एक्सपोर्ट कौन सी चीज़ें होती हैं जो अच्छी क्वालिटी की होती हैं, उन चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है. तो केमिकल्स जो बनाए जाते हैं, अगर अच्छे केमिकल बनाए, इम्प्रूव्ड क्वालिटी के केमिकल्स बनाए जाएंगे, तो उनका डिमांड ज़्यादा होगा और वो चीज़ें एक्सपोर्ट की जाएंगी, जिससे हमें उस देश का फ़ायदा होगा, उस देश की इकॉनमी बढ़ेगी. तो इसमें केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है. इट ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मीटिंग ह्यूमन नीड्स फॉर फूड, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड अदर मटीरियल्स एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. और जो भी ह्यूमन नीड्स है उसको पूरा करने के लिए, जैसे फूड है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, अदर मटीरियल्स, इसी तरह के कुछ और जो अदर मटीरियल्स हैं जिससे ह्यूमन्स की लाइफ की क्वालिटी बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है, तो उसमें भी केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है. दिस इज एग्जाम्पलीफाइड बाई लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वराइटी ऑफ फर्टिलाइजर्स, इम्प्रूव्ड वराइटी ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स. तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये सब क्या हैं, ये सब चीज़ें हर देश को चाहिए होती हैं, तो इसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा इसका डिमांड बढ़ेगा और उतनी ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा. केमिस्ट्री प्रोवाइड्स मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड मेक्स पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ सच ड्रग्स. और केमिस्ट्री कैसे, केमिस्ट्री ये भी बताती है कि नेचुरल सोर्सेज से ड्रग्स का आइसोलेशन कैसे करें, एंड और ऐसा करने से हमें कुछ ऐसे ड्रग्स मिल गए हैं जिससे कई जो बहुत ही डेंजरस बीमारियां थी, जैसे कैंसर है, तो इनको हम ठीक कर पा रहे हैं अब, तो कैंसर की थेरेपी में यूज़ कर पा रहे हैं. जैसा ड्रग है, सिसप्लेटिन है, टैक्सोल है, इनका यूज़ किया जाता है. AZT एक ड्रग है, अजीडोथाइमोडीन इज़ यूज्ड फॉर हेल्पिंग एड्स पेशेंट. तो जितनी भी तरह तरह की खतरनाक बीमारियां हैं उनसे निपटने के लिए आजकल नए नए ड्रग्स को खोजा जा रहा है. उसी में से एग्जांपल्स हैं, सिसप्लेटिन है, टैक्सोल है, AZT है, और तमाम इसी तरह के और भी इम्प्रूव्ड क्वालिटी के ड्रग्स की खोज की जा रही है, जिससे इन बहुत ही खतरनाक बीमारियों से बचा जा सके और ह्यूमन लाइफ को सेव किया जा सके. केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट्स टू अ लार्ज एक्सटेंट इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ नेशन. दोस्तों, किसी भी नेशन के ग्रोथ और डेवलपमेंट में केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है. विद अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए केमिकल प्रिंसिपल, इट हैज़ नाउ बिकम पॉसिबल टू डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज न्यू मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़. केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ जाने की वजह से हम अब जो नया मटेरियल ऐसा बना पा रहे हैं जिसमें, जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी स्पेसिफिक है, हम जैसा चाहते हैं वैसी प्रॉपर्टी का नया मटेरियल बना पा रहे हैं. दिस हैज़ लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स एक्सेट्रा. और इसी वजह से सुपर कंडक्टिंग
सिरेमिक्स बना पा रहे हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर्स जो होने जो पॉलीमर्स ऐसा जब ऐसा पॉलीमर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती हो उसे बोलेंगे कंडक्टिंग पॉलीमर्स, और ऑप्टिकल फाइबर्स जो हम लोग इंटरनेट वायर्स जो होते हैं जो अंदर अंदर ज़मीन के अंदर से जाता है कनेक्ट करता है नेटवर्क्स को, तो वो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो भी इसी का एक एग्जांपल है, न्यू मटेरियल का ही एक एग्जांपल है। तो सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स क्या होते हैं? सिरेमिक्स जो होता है वो नॉन कंडक्टिंग होता है, लेकिन अब हमें इतना नॉलेज हो गया है केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स का तो हम उससे सुपर कंडक्शन सुपर कंडक्टिंग बना पा रहे हैं। सुपर कंडक्टिंग क्या चीज़ होती है? जिसमें रेजिस्टेंस, वो मटेरियल जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होती है, और रेजिस्टेंस अगर जीरो होती है तो कंडक्शन उसमें इनफाइनाइट होगी, तो इनफाइनाइट कंडक्टेंस मतलब सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स बना पा रहे हैं। केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर यूटिलिटी गुड्स लाइक एसिड्स, एल्कलीज, डाइज, पॉलीमर्स, मेटल्स एक्सेट्रा। तो केमिस्ट्री की वजह से ही इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है नए नए, जो कि ऐसे चीज़ों के मैन्युफैक्चर कर रही है जो यूज़ की जाती है कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में डेली लाइफ में, जैसे एसिड्स का प्रोडक्शन, एल्कलीज की अलग इंडस्ट्री, डाइज बनाने की इंडस्ट्री, पॉलीमर बनाने की इंडस्ट्री, मेटल्स की एक्सेट्रा। दीज इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे टू द इकॉनमी ऑफ ए नेशन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अब ये जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बने हुए हैं वो साइंस के लैब में काम आती है, तरह तरह की जो दूसरे इंडस्ट्रीज हैं उनमें काम आती है, तो इसका डिमांड जो है हर जगह हर कंट्री को होती है, तो ये चीज़ एक्सपोर्ट करने के काम आती है, तो ये इकॉनमी में नेशनल इकॉनमी में काम आपका कंट्रीब्यूट करता है। और ये सब बनाने में जब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है तो लोगों को रोज़गार मिलता है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। इन रीसेंट ईयर्स केमिस्ट्री हैज़ हेल्प इन डीलिंग विथ सम ऑफ द प्रेसिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विद अ फेयर डिग्री ऑफ सक्सेस। कुछ रिसेंट ईयर में जो इन्वायरमेंट में जो नेगेटिव चेंजेस जो हो रही हैं, तो नेगेटिव चेंजेस से निपटने के लिए केमिस्ट्री ने उसमें काफ़ी कुछ हेल्प किया है, और जिससे जिसमें सक्सेस भी मिली है, जिससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं धीरे धीरे सही हो रही हैं, दूर हो रही हैं। सेफर अल्टरनेटिव्स टू इन्वायरमेंटली हजार्डस रेफ्रिजरेंट्स लाइक CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो आजकल क्या हो रहा है कि हमें पता चल गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ही ओजोन में डिप्लीशन हो रहा था, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है ओजोन लेयर, जो हमें सन से निकलने वाली जो हार्मफुल रेज होती हैं उनसे बचाता है, उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो ओजोन में ही डिप्लीशन हो रहा था CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेंट हम लोग AC में फ्रिज में यूज़ करते थे उसकी वजह से, तो उसका यूज़ हमने बंद कर दिया और उसकी जगह कोई बेटर अल्टरनेटिव को यूज़ करना हमने स्टार्ट कर दिया। उन सभी प्रॉब्लम में से एक ये भी प्रॉब्लम है ग्रीन हाउस गैसेस का। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं कि जो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है जो सन के थ्रू आता है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये है मैकेनिज्म पूरा, कैसे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए यहाँ पर सन रेज आ रहे हैं और सन रेज में से कुछ रेज जो हैं सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, वो रेज रिफ्लेक्ट बैक हो गए और कुछ जो हैं एब्जॉर्ब कर लिए गए, जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं
वो इनके रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अबाउट हाफ द सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस एंड वार्म इट. अब जब एब्जॉर्ब करने के बाद उसी को एमिट करते हैं तो वो अर्थ में ही वो जो भी रेडिएशन एनर्जी है वो अर्थ में ही रहे, जिससे अर्थ का अर्थ वार्म हो जाता है और टेम्परेचर इंक्रीज करता है. इन्फ्रारेड रेडिएशन इज एमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस. तो जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब करती हैं उसी में वो उसको एमिट करती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है. इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस, यूज ऑफ एंजाइम्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्सोटिक मटेरियल आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ केमिस्ट्स. बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब जो लिविंग बींग्स होते हैं उनके अंदर, उनके बॉडी में जो भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उन्हीं को बायोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है. और एंजाइम का यूज़ और उनका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन, क्योंकि एंजाइम होते हैं केमिकल्स या कह सकते हैं बायोकेमिकल्स, तो इनका भी प्रोडक्शन हम बाहर कर पाएँ इनके केमिकल्स को, तो इसको यूज़ कर सकते हैं. जो ड्रग्स बनाए थे इसी बेसिस पर बनाए जाते हैं. एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्सोटिक मटेरियल आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल. तो नए नए बहुत ही अच्छे मटेरियल्स को बनाना जो कि ह्यूमन लाइफ को और भी अच्छा बना दे, क्वालिटी बढ़ा दे, ये कुछ इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन. जो हमारे आने वाले जनरेशन है उसमें जो केमिस्ट्स हैं उनके लिए. अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट्स फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंजेस. अब डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है तो उसमें इसी तरह से टैलेंटेड और क्रिएटिव केमिस्ट्स होंगे, तभी तो ये सब चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे. तो आप भी बनिए केमिस्ट और चैलेंज एक्सेप्ट करिए, कंप्लीट करिए, इन सब चीज़ों को बना कर दिखाइए, देश को आगे ले जाइए. टू बी अ गुड केमिस्ट एंड टू एक्सेप्ट सच चैलेंजेस वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विच बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर. तो जो भी चीज़ पढ़ना होता है उसको हम लोग अगर बेसिक से पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होता है उसके लिए बहुत अच्छा डेवलप होता है. तो कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना तभी फ़ायदे में होगा जब हम उसको अच्छे तरीके से समझेंगे. केमिस्ट्स के लिए एटॉमिक लेवल पर और मॉलिकुलर लेवल पर समझना चीज़ों को बहुत ज़रूरी होता है. Understanding of biochemical processes, use of enzymes for large-scale production of chemicals and synthesis of new exotic material are some of the intellectual challenges for the future generation of chemists. Biochemical process का मतलब जो living beings होते हैं उनके अंदर, उनके body में जो भी chemical processes होते हैं उन्हीं को बायोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है. और एंजाइम का यूज़ और उनका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन, क्योंकि एंजाइम होते हैं केमिकल्स या कह सकते हैं बायोकेमिकल्स, तो इनका भी प्रोडक्शन हम बाहर कर पाएँ इनके केमिकल्स को, तो इसको यूज़ कर सकते हैं. जो ड्रग्स बनाए थे इसी बेसिस पर बनाए जाते हैं. एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्सोटिक मटेरियल आर सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल. तो नए नए बहुत ही अच्छे मटेरियल्स को बनाना जो कि ह्यूमन लाइफ को और भी अच्छा बना दे, क्वालिटी बढ़ा दे, ये कुछ इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन. जो हमारे आने वाले जनरेशन है उसमें जो केमिस्ट्स हैं उनके लिए. और डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया नीड्स टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट्स फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंजेस. तो
डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, इनको इस तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाले टैलेंटेड और क्रिएटिव केमिस्ट्स की बहुत ज़रूरत है। तो आप भी बन जाइए ऐसे क्रिएटिव और टैलेंटेड, और एक्सेप्ट करिए चैलेंजेस को और अपने कंट्री को ऊपर लेके जाइए, डेवलपिंग से डेवलप्ड में कन्वर्ट कर दीजिए। यही चैलेंजेस हैं। टू बी अ गुड केमिस्ट एंड टू एक्सेप्ट सच चैलेंजेस, वन नीड्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और आप चैलेंज तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब आपको केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होगा, उसके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तब जाके आप वर्क कर पाएंगे, सोच पाएंगे। विच बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर, तो मैटर ही है और उसी से हम लोग को स्टार्ट करना होगा यहाँ पर इस चैप्टर को। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, यहाँ से इस चैप्टर की असली शुरुआत होगी, नेचर ऑफ मैटर से। नेचर ऑफ मैटर, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द टर्म मैटर फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। मैटर के बारे में आप पुरानी क्लासेस में, पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 10th में या 9th में। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। और मैटर क्या होता है, किसको मैटर बोला जाएगा, तो मैटर देखो जिसके बीच में लोग बैठे होते हैं, या कोई भी चीज़ जो जगह ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है, या उस और उसके अंदर मास होता है जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, वो सब मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बुक है, पेन है, पेंसिल है, वाटर है, एयर है, ऑल लिविंग बींग्स हैं, ये सब चीज़ें क्या है, मैटर है। जो भी चीज़ हम आसपास देख रहे हैं वो सारे के सारे मैटर्स ही हैं। आर कंपोज ऑफ मैटर, यू नो दैट दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। तो मैटर क्यों है, तो मैटर इसलिए है क्योंकि उसके अंदर मास है, कुछ ना कुछ वेट होगा उसका, मास होगा, और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। दे लेट अस रिकॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर विच यू लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस। तो प्रीवियस क्लासेस में जो भी पढ़ा उसको भी देखते हुए चलेंगे आगे। यू आर अवेयर दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स, फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आपको पता ही है कि मैटर के तीन स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक और स्टेट पढ़ाते हैं जबरदस्ती का, प्लाज्मा, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर केवल मेन स्टेट्स की बात की जाएगी। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन दीज थ्री स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सोन इन फिगर 1.1। तो इस फिगर में देखिए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं क्लोजली पैक्ड हैं, और देखिए एक ऑर्डर्ड फैशन में सारे एक लाइन से लगे हुए हैं। लिक्विड की बात कर लें, लिक्विड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो एक दूसरे से थोड़ा सा स्पेस लिए हुए हैं, और गैस में ज़्यादा स्पेस है। तो पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर, हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स इन एन ऑर्डरली फैशन, एंड देर इज़ नॉट मच फ्रीडम टू मूवमेंट। अब सॉलिड में हमने फिगर में देखा कि काफ़ी क्लोज होते हैं, जैसे कि जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं और उनके बीच में इतना स्पेस नहीं होता जिससे वो मूव कर पाएँ, और ऑर्डर्ड फैशन में लगे होते हैं। लिक्विड्स में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं, थोड़ा स्पेस होता है जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं, इतना होता है। और हाउ एवर इन गैसेज द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कम्पेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड्स और लिक्विड्स स्टेट्स, एंड दियर मूवमेंट इज ईजी एंड फास्ट। वहीं गैस की बात करें तो गैस में पार्टिकल्स सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, अगर मैं बात करूँ, कंपेयर करूँ सॉलिड और लिक्विड से, तो और इतना स्पेस होता है कि जैसे हम भी गैसेस के बीच में ही लिए हुए जगह, तो जगह होगी तभी तो बैठ रहे हैं उसके बीच में, तो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स,
और मूवमेंट उनका इजी होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट इजी और फास्ट होता है गैसेस में, इजी और फास्ट. बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिबिट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. तो इस तरह के अरेंजमेंट से उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे हम उसको डिफाइन करते हैं. जैसे सॉलिड जो होता है, सॉलिड में एक ऑर्डरली फैशन में जब एटम्स लगे हैं क्लोजली स्पेस्ड फॉर्म में लगे होते हैं, तो इसकी वजह से उसका वॉल्यूम और उसका शेप एक डेफिनेट होता है जो चेंज नहीं होता है. जैसे अगर मैं बात करूँ कि कोई मैं पत्थर का टुकड़ा ले लूँ और पत्थर के टुकड़े को मैं मेज़र करूँ कि उसका वॉल्यूम कितना है, जो भी वॉल्यूम और उसका शेप जो भी है, और उसको मैं छोड़ दूँ और उसको एक कुछ समय बाद चेक करूँ, तब भी उसका वॉल्यूम और उसका शेप सेम वैसा ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. अगर उस समय में कुछ भी उसमें बाहर से फोर्स न लगाया गया हो तो. सो लिक्विड की बात करें, लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है क्योंकि लिक्विड को हम लोग रखते हैं, उसका मेजरमेंट करते हैं, तो उसका वॉल्यूम उतना ही रहता है. बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. और वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप जो होता है वो जिसमें उसको रखेंगे वो उसी का शेप ले लेता है. हमने उसे बॉटल में रखा तो वो लिक्विड का शेप बॉटल का शेप हो गया, और मैंने उसे किसी दूसरे वेसल में डाला तो वो उसका शेप ले लेगा. इसका मतलब शेप तो उसी का होगा जो जिसमें वो रखा जा रहा है. वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा. अगर एक ही पर्टिकुलर जो लिक्विड को लिया जाए उसको अलग अलग तरह के बर्तन में रखते हैं तो शेप चेंज होता रहेगा लेकिन वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा. तो वॉल्यूम उसकी डेफिनेट है. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड. थर्ड आ जाता है गैस. गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप. अब गैस में क्या है ना, वॉल्यूम्स उसका डेफिनेट है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है. गैस को हम पकड़ के कहीं एक जगह रख नहीं सकते हैं, तो वॉल्यूम उसका डेफिनेट नहीं है और शेप भी डेफिनेट नहीं है, शेप भी चेंज होता रहता है. दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड. अब कंटेनर में गैस अगर डाला, हम लोग गैस में ही, गैस के बीच में ही रहते हैं, तो हर जगह गैस है. किसी पर्टिकुलर कमरे में गैस भरी हुई है, ऑक्सीजन है, तमाम तरह की कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन है, तो वो हर एक कोने में है, कहीं भी खाली जगह नहीं है, हर जगह गैस है. तो पूरी तरीके से ऑक्यूपाई किया होता है किसी भी कंटेनर में रखा जाए, बहुत आसानी से स्प्रेड. उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, उसमें उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो बहुत तेज़ भागते हैं और वो हर एक जगह पहुंच जाते हैं. स्पेस भी होता है भागने के लिए, मूवमेंट भी आसानी से करते हैं. दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल बाय चेंजिंग द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब तीनों जो स्टेट्स हैं वो आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं. और सबसे अच्छा एग्जांपल है आइस. आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर को कंडेंस करके फिर से लिक्विड में और वाटर में मतलब, और उसको फिर से फ्रिज कर दें तो सॉलिड में आ जाता है. तो एक वाटर ऐसा है जिसका हम लोग तीनों स्टेट देख पाते हैं अपने डेली लाइफ में. तो जैसे सॉलिड है, तो सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, उसके जो एटम्स हैं उनके एटम्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे वो बना हुआ है, उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ना होगा और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी होगी, हीट करना होगा. तो हीट करने पर सॉलिड क्या होगा, उसके बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने लगेगा और वो थोड़ा स्पेस बनाने लगेगा. तो स्पेस बनाने लगेगा तो वो लिक्विड की प्रॉपर्टी ले लेगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. देन और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो उनके बीच का स्पेस और बढ़ जाएगा और जो एनर्जी जा रही है हीट के फॉर्म में वो कॉन्स्टिट्यूएंट उसको एब्जॉर्ब करेंगे और उससे काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो भागेंगे ज़्यादा और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे. फिर वही है, गैस में कन्वर्ट हो गए तो गैस को हमने कंडेंस कर दिया, फिर से कूलिंग करना शुरू किया गैस को, तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा तो उससे फिर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे.
और लिक्विड को हमने लिया, जैसे मैंने वाटर लिया और उसे उसे मैंने एक किसी कंटेनर में डाल के फ्रिज में डाल दिया, फ्रिज कर दिया, फ्रिजिंग पॉइंट पे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑन हीटिंग अ सॉलिड इजिली चेंजेस टू अ लिक्विड एंड द लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस टू गैस और वेपर। तो अभी मैंने बता ही दिया इस इन सब चीज़ों के बारे में, गैस वेपर। अब गैस वेपर तो जनरली बात करें तो गैस और वेपर एक ही चीज़ हो गई, लेकिन उसका एक अलग डेफिनेशन है जो कि हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ गैस ऑन कूलिंग, गैस को कूल करने की प्रोसेस को, कूल करके लिक्विफाई करने की प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। द कूलिंग लिक्विफाइज टू द लिक्विड एंड द लिक्विड ऑन फर्दर कूलिंग फ्रीजेस टू द सॉलिड। लिक्विड को और कूल किया जाएगा तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रीज होकर।